ये तस्वीरें बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट के सरकारी स्कूल की हैं, जो पहले कुछ ऐसी दिखती थी। लेकिन यहाँ के विधायक रामलिंगा रेड्डी के प्रयासों से अब यहाँ के स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक कंप्यूटर की सुविधा है। मुझे रोज स्कूल आने में बहुत खुशी होती है। यहाँ कंप्यूटर क्लास है, साइंस लैब है और लाइब्रेरी क्लास भी है। इसके साथ ऑडिटोरियम और डाइनिंग हॉल भी है। साफ सुथरे छात्रावास में रहने वाले छात्र भी खुश हैं और खुद को अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार कर रहे हैं। आठवीं क्लास में पढ़ने वाला रेहान हॉस्टल में रहता है और एक्टर बनना चाहता है। मुझे मारे तो मैं छोड़ डालूंगा, मेरा बाइक को मारे तो फोड़ डालूंगा। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शिक्षा विभाग और विधायक फंड से किया जा रहा है। इसके अलावा रामलिंगा रेड्डी अपनी तरफ से हर साल सभी छात्र छात्राओं को दो दो सेट यूनिफॉर्म देते हैं। अब यहाँ स्कूल में स्विमिंग पूल तैयार हो रहा है, जो सरकारी स्कूलों में बनने वाला राज्य का पहला स्विमिंग पूल होगा। ये इंटर स्टेट में वो गवर्नमेंट स्कूल में ये स्विमिंग पूल, दो स्विमिंग पूल फर्स्ट टाइम खर्च करके। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं है। पढ़ाई में छोटे बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए क्लासरूम की साज सज्जा भी जरूरी है। इसके लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद के साथ साथ निजी निवेश की भी जरूरत पड़ी। लेकिन कहते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। फॉर बुक्स एंड बैग्स एंड टू मेंटेन किताबें, बैग्स, हाउसकीपिंग और गेस्ट टीचर्स पर आने वाला खर्चा मैं अपनी पॉकेट से देता हूं। इसके साथ मेरे कुछ दोस्त और एनजीओ भी हमारे प्रोजेक्ट में मदद कर रहे हैं। सम ऑफ आवर फ्रेंड्स आर आल्सो हेल्पिंग एंड सम एनजीओस आल्सो दे आर ऑल हेल्पिंग। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। विधायक रामलिंगा रेड्डी ने दशकों पहले मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस शेर की सार्थकता एक बार फिर साबित की है। बस उनकी सोच थी कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को उसी तरह की शिक्षा दी जाए जैसी प्राइवेट स्कूल्स में मिलती है। बस उन्होंने कदम बढ़ाए और देखते ही देखते कई स्कूलों की काया पलट हो गई। विधायक की अच्छी नीयत देख कई स्वयंसेवी संस्थाएं और धनवान लोग उनके साथ जुड़ गए। इसे ही कहते हैं शोर कम और काम ज्यादा। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।